शुगर के दो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करनी है तो अगर आप इनमें देखेंगे तो आपको हाइड्रोक्सेल एंड मिथाइल कार्बोनेल या मिथाइल कार्बोनेल या फॉस्फेट या या तो अगर आप शुगर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको दो ग्रुप मिलेगा वन ग्रुप इज़ द ओ एच यानी कि हाइड्रॉक्सिल एंड सेकेंड इज सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप तो डी याद रखिएगा अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एप एंजाम सिंपली एंजाम एंजाम के बारे में क्या करेक्ट है देखिए जब भी आप एंजाम की बात करते हैं तो उसमें प्रिंसिपली हम होलो एंजैम की बात करते हैं और होलो एंजैम में हमारे पास दो पार्ट होता है वन पार्ट इज अ प्रोटीन पार्ट और दूसरा पार्ट जो होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो प्रोटीन पार्ट होता है दिस इज नोन एज एपो एंजाइम और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है दिस इज नोन एज को फैक्टर ठीक है अब ये को फैक्टर में इसमें तीन पार्ट होते हैं एक को एंजाइम होता है दूसरा मेटल एक्टिवेटर होते हैं और तीसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ठीक है तो अब देखते हैं एपो एंजाइम मैं डी ऑप्शन से पढ़ रहा हूँ एपो बराबर होल एंजाइम प्लस को गलत होलो एंजाइम बराबर को एंजाइम प्लस को फैक्टर गलत कोएंजाइम बराबर अपोनजाइम गल आपको सबको पता है करेक्ट क्या होगा आंसर होलो एनजाइम बराबर अपो प्लस को फैक्टर अब को फैक्टर नहीं दिया हुआ है तो इसलिए कोएंजाइम मान लिया जाएगा ठीक है तो होना चाहिए था होलो एनजाइम बराबर एपोनजाइम प्लस को फैक्टर को एनजाइम सेल्फ टाइप ऑफ को फैक्टर शुड बी ए अच्छा सवाल है ठीक कर लीजिएगा आंसर इज ए यहाँ को फैक्टर हो तो भी चल जाएगा प्रोटीन नॉन प्रोटीन हो तो भी चल जाएगा ओके क्वेश्चन नंबर थ्री विच आर द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक कौन सा पॉलीमेरिक नहीं है प्रोटीन पॉलिसेक्राइट लिपिड या न्यूक्लिक एसिड इन चारों में कौन सा पॉलीमर नहीं है बनाता है आप जानते हैं प्रोटीन इट्स टाइप ऑफ अमीनो एसिड पॉलीमर पॉलिसक्राइड शुगर लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड में आपको पता है न्यूक्लोटाइड न्यूक्लोसाइड तो आंसर शुड बी लिपिड आपको बता दूं कि नॉट पॉलीमरिक पूछ रहे हैं और आंसर हो जाएगा लिपिड क्योंकि लिपिड पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करता चलिए सर क्वेश्चन नंबर फोर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई मोस्ट ऑफ़ द फंजाई की बात कर रहे है. हैं मोस्ट ऑफ फंजाई में काइटिन पैप्टाइडोग्लाइक सेरोडोज या हेमोसरडोज बहुत ही आसान सवाल है काइटिन इज द राइट आंसर टिक कर लीजिएगा काइटिन इज द राइट आंसर और ये नाग एन एसिटिल ग्लूकोसाम का बना होता है नाइट्रोजनस कंपाउंड है याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है सुक्रोज इज डाइसेक्राइट सुक्रोज इज डाइसेक्राइट ओके ठीक है यूरेसिल इज प्रेम ठीक है ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग अमेनसिड ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग देखिए ग्लाइसिन सिंपलेस्ट एसिड है ये सल्फर कंटेनिंग नहीं है बट सल्फर कंटेनिंग के एसिड की बात करेंगे तो दो नाम हमारे पास है वन इज द सिस्टीन नोट कर लीजिएगा एंड सेकेंड इज द मैथियोनिन दो नाम एसिड है जो आपके पास सल्फर कंटेनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखें तो फाइव का आंसर हो जाएगा डी चलिए सर क्वेश्चन नंबर सिक्स ए प्रोटोनिशियस एंजाइम इज प्रोटोनिशियस एंजाइम कौन सा है सॉरी नॉन प्रोटियस बड़ी जल्दी है नॉन प्रोटोनीशियस तो पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं नॉन प्रोटोनीसियस पूछ रहे हैं सर वैसे अमोना सिट क्या होते हैं प्रोटोनेशियस होते हैं तो लाइगेज डी ऑक्सी राइबोन्यूक्स लाइसोजाइम एंड राइबोजाइम ठीक है सिर्फ एक नाम हमारे पास है राइबोजाइम एक्चुअल में राइबोजाइम क्या होता है सर हमने पढ़ रखा है राइबोजाइम इट्स टाइप ऑफ आर एन ए क्या है ये आर एन ए है आप इसे मार्क कर लीजिएगा यानी कि ये न्यूक्लिक एसिड है क्या है न्यूक्लिक एसिड और उसमें भी क्या है ट्वेंटी थ्री आर तो अब बात क्लियर हो गई डी एक्स राइबोन्यूक्स से आप कंफ्यूज हो सकते हैं बट इट सेल्फ इज अन आंसर सुट भी क्या हो जाएगा सर आंसर इज डी राइबोजाइम। अच्छा सवाल है याद रखें क्वेश्चन नंबर सेवन विच आर द फॉलोइंग लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व मार्क कर लीजिएगा विच आर द फॉलोइंग लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व स्टेबलाइजिंग द थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ द मोस्ट प्रोटीन हाइड्रोफोविक इंट्रैक्शन एस्टर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड या एलैक्ट्रोसे इंट्रेक्शन देखिए आप बात करें अगर एस्टर बॉन्ड की तो एस्टर बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवाइलेंट बॉन्ड एंड इट इज नॉट इन्वॉल्व या फिर हम कह सकते हैं least likely. क्या कह सकते हैं सर लीस्ट लाइकली अगर ये लीस्ट लाइकली की बात आ जाएगी तो उसमें आएगा एस्टर बॉन्ड ठीक है बाकी सारे बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं अच्छे से आपने पढ़ा होगा चलिए क्वेश्चन नंबर एट विच द गिवन ग्राफ करेक्टली कौन सा ऐसा है जो इस गिवन ग्राफ को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है तो आइए देखते हैं सर ओके दिस ग्राफ अब देखिए ये ग्राफ है इस ऑप्शन को पढ़ने के पहले ही हम इस ग्राफ को देखेंगे ये जो ग्राफ है इसमें जो हमारा बी है बी क्या है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और जो ए है ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम और जब एंजाइम हो जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है तो ए विद एंजाइम एंड बी विदाउट एंजाइम इतने से सवाल कर लेंगे हम और एक बात और देख ली दिखा देता हूं आपको जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएं देखिए यहाँ पे सबस्टेट की एनर्जी ज़्यादा है वन सेकेंड सबस्टेट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है यानी कि इसकी एनर्जी इतनी है और इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है तो इट्स सेल्फ डिफरेंस मतलब जो सबस्टेट के पास एनर्जी थी वो घट गई है प्रोडक्ट में आते आते तो एनर्जी रिलीज हो गई होगी तो प्रोसेस कैसे हो जाएगी ये एक्जो प्रोसेस हो जाएगी कैसे एग्जोथर्मिक चलिए अब आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट में अगर इंडोथर्मिक कहीं पे दिया है तो वो गलत हो जाएगा इंडो रॉन्ग आंसर सी एंड ए करेक्ट चलिए अब बी और डी में आंसर करना है एक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम चलिए अब आंसर बता देते जल्दी से ए मैंने अपसेंस बोला है अब देखना पड़ेगा सर इसको हमें कि ऊपर क्या दिया है

वर्सोन बाई साइटोसिन अब देखिए सर अगर बात कर रहे हैं साइटोसिन की तो सी कितना हो जाएगा सत्रह परसेंट अब अगर सी सत्रह परसेंट हो जाएगा तो ग्वानिन कितना हो जाएगा सत्रह परसेंट एडिन की कितना हो जाएगा सत्रह सत्रह चौंतीस तैयार छः सर थर्टी थ्री परसेंट और थाइमिन कितना हो जाएगा थर्टी थ्री परसेंट अब देखिए कोई ऑप्शन पूछ रहे हैं तो ए जी को कह रहे हैं एट पॉइंट फाइव गलत हो गया किसी काम का नहीं है जी को करें थर्टी फोर किसी काम का नहीं है अब दो ऑप्शन बचे जी सेवनटीन जी सेवनटीन ठीक है ए सिक्सटीन पॉइंट फाइव जी नहीं सर ए थर्टी थ्री एंड टी थर्टी थ्री तो आंसर शुड बी डी ऐसे ही करा जाता है इन सवालों को चलेगा तो क्वेश्चन नंबर टेन विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है जिसे आपको करना है बताना है तो बात कर रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ कंपरेटिव इनिबिटर डिक्रीज द केम ऑफ द एंजाइम फॉर द सब स्टेट ओके तो यहां पर बात कर रहे हैं कि डिक्रीज करेगा ठीक सर चलिए मार्क कर लेते हैं डिक्रीज सर ए कंपिटिव इनिबीटर रिएक्ट विद रिवर्सबली विद एंज टू फॉर्म एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स ठीक है ए कम्पटेटिव इनिबिशन इनिबीटर मालिक्यूल नॉट केमिकली चेंज ठीक है ओके द कंपलेटविटर डज नॉट एफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेक डाउन द एजाइम सब स्टेट ठीक है सर चलिए अब बात करें कि देखते हैं कि के एम का क्या होगा कंपटेटिव इनोवेटर मिलाने पर तो माली बात तो बताना चाहिए कि के एम क्या है तो के एम कॉन्स्टेंट क्या है कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट एटविच द रेट ऑफ रिएक्शन दैट एंजाइम अटेंस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलासिटी इज नोन एज के एम कॉन्स्टेंट ठीक है यानी सब्सटीट का वो कॉन्सनट्रेशन जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलासिटी की आधी रह जाती है उसे के एम कॉन्स्टेंट कहते हैं और सो ये के एम कॉन्स्टेंट हमेशा लो होना चाहिए एंजाइम के लिए ठीक है सो इसका मतलब क्या हो कहीं ना कहीं एंजाइम की कैटालिटिक पावर को दिखाता है अब कंप्र, क्या करेगा कंपटेटिव इनोवेटर क्या करता है ये वैल्यू को बढ़ा देता है यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी ज्यादा सब मिलेगी ज्यादा सब स्टेप में मिलेगी है ना तो कंपटेटिव इनोवेटर केएम वैल्यू को बढ़ा देता है बी मैक्स पर कोई असर इसका नहीं होता और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है आपको आंसर मिल गया होगा कि आंसर ए हो जाएगा क्योंकि ये इंक्रीज कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंपिटेटिव इनोवेटर इसके इफेक्ट को अगर खत्म करना चाहते हैं तो क्या करें सबस्टेट मिला दें क्या मिला दें सबस्टेट मिला दें अगर इसके इफेक्ट को खत्म यानी इसका इफेक्ट खत्म हो सकता है बाय एडिशन द सबस्टेट मॉलिक्यूल ठीक है चलिए सर आंसर बी ए क्वेश्चन नंबर अलेवन सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन सबस्टेट बाइंड विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट एडिशन ऑफ ए लॉट ऑफ सक्स डज नॉट रिवर्स द इनिबिशन ऑफ सक्साइड्रेड बाई मैरोट

डिटिट फ्रॉम द बाइंड एट एक्टिव साइट के अलावा कहीं और बाइंड करेगा कह रहे हैं कि बाइंड विद एंजाइम एट द एक्टिव साइट ये भी सही बात है सब बी गलत है तो बी गलत है अगर तो क्यों गलत है ये जानना है मैं आपको बता अभी मैंने पीछे आपसे कहा कि अगर हम सबस्टेट को मिला दें एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स नहीं सर रिवर्स हो जाता है सक्सनेट अगर बढ़ा दें यानी कि सबस्टेट बढ़ा दें तो मैलोनेट अपना असर खो देगा समझ पा रहे हैं ना यानी कि सबस्टेट के मिलाने से कॉम्पिटेटिव इनोवेटर का असर कम हो जाता है इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा बहुत अच्छा सवाल है ये कि इसका इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा समय के साथ कम हो जाएगा तो ये जो डज नॉट वर्ड लिखा हुआ है यही अगर ना हो तो सवाल सही हो जाएगा कॉन्सेप्ट जरूर सीखेगा कॉन्सेप्ट तो रहेगा तो हमेशा आप सवाल सही कर पाएंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट अब बात है नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिनके पास फ्री या लिहाइड या कीटोन नहीं होता और रिड्यूशन शुगर कौन से होते हैं एनी शुगर दैट इज कैपेबल फॉर एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट हैव फ्री या ओके, अब अपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा आइए आंसर केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं तो माल्टोज एंड एंड्राइबोज फाइव फॉस्फेट तो आंसर इज सुक्रोज नॉन रेड्यूशन शुगर टिक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर ज मेड अप ऑफ फॉस्फोकलेसराइड हमेशा किससे बना होता है चलिए ओनली अन फैटी एसिड स्टेफाइड टू द गलेट्रोल मालिक्यूल टू हे फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच्ड इसटेड और फैटी एसिड स्टेरफाइड टू गले मालिक्यूल टू हिस्स एट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच्ड इसटेड और फैटी एसिड अनसेचुरफाइड टू फॉस्फेट ग्रुप फिच इज ऑल्सो अटैच टू ग्लेटॉल मालिक्यूल एंड ओनली बता दीजिएगा आपको किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ग्लेट चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द एसेंशियल केमिकल कंपोनेट ऑफ मेनी कोर तो भैया बहुत अच्छा सवाल ये भी एनसीआर में बायो मालिक्यूल पेश भी पे दिया हुआ कि एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट विटामिन या प्रोटीन आपने पढ़ रखा है कि कोएंजाइम जैसे आपने नाम देखा होगा एक नाम हमने दिया हुआ NAD NAD है बंसियाटी में एन और एन जो एनएडी एन और एन ई हैं इनमें जो मतलब जो एसेंशियल केमिकल्स हैं मैनी इसमें विटामिस् जो है इसमें मार्क कर लीजिएगा कि एनआरडीपीडी कंटेंट विटामिन कैटोलिटिक एक्टिविटी मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनके पास क्या होता है विटामिन होता है क्या होता है विटामिन दूसरी बात अगर इनको फैक्टर्स को इनको एंजाइम को निकाल दें है ना एंजाइम से इनको फैक्टर्स को हटा दें को एंजाइम्स को हटा दें तो एंजाइम अपनी कैटोलिटिक पावर को खो देता है इतना इंपॉर्टेंट है ये तो आंसर शुड भी सी चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ट्रांजियंट स्टेज स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन इज देखिए ट्रांजियंट स्टेज की बात कर रहे हैं तो देखिए ट्रांजियंट स्टेज क्या होता है जब हम बात कर रहे होते हैं शुरुआत में जब सबस्टेट uh, और एंजाइम जुड़ते हैं तो प्रोडक्ट के कन्वर्जन के लिए कहीं ना कहीं इनके बीच में एक रिलेशन बनता है एंड दिस रिलेशन इज़ अ ट्रांजियंट स्टेज एंड दिस रिलेशन इज़ द अनस्टेबल नॉट द परमानेंट अगर परमानेंट हो जाएगा तो हम बात ही नहीं कर सकते आगे प्रोडक्ट की ठीक है तो ये बहुत अच्छा सवाल बनता है कि ट्रांजियंट होना चाहिए और अनस्टेबल होना चाहिए तभी तो वो प्रोडक्ट में आगे कन्वर्ट होगा एन सी आर टी में जो पीक पर बना हुआ है जब आप डायग्राम देखते हैं एक्टिवेशनर्जी विद विदाउट एनर्जी तो वहाँ पर जो अपर लेवल पे है वही है ट्रांजियंट है ना चलिए अब मैं यहाँ से दिखा नहीं सकता हूँ बट शायद आप जान पा रहे हो मैक्रोमालिक्यूल्स काइटिन एस फॉस्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड सिंपल पॉलीसेक्राइड या नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड तो देखिए अभी हमने आपसे पीछे कहा था कि नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड रीजन इज एन एसिटिल एन एसिटिल ग्लूकोशामीन पढ़ लीजिएगा एसिटिल ग्लूकोशामीन इज द करेक्ट आंसर चलिए सर तो आंसर शुड बी डी हो जाएगा ठीक है नाइट्रोजन

एक एन एस टू ग्रुप है और एक सी डबल एच हो तो ये तो नहीं हो सकता जनरल बात कर रहा हूँ एक एन एस टू एक सी डबल एच ओके जस्ट देखिए यहाँ पे एक एन एस टू है जस्ट वेट इट और दूसरा है नहीं दो एन एस टू है और कितना सी डबल एच है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी वाला है वो वैसी का मन एस है ठीक है बाकी के बारे में आप जानते हैं बट सिंपली डी इज़ द राइट आंसर तो अब ए बी सी डी यानी ए में ए नहीं है सी नहीं है बी नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा डी जो दिया है ये बेसिक अमेनसर है ठीक कर लीजिएगा डी इज द बेसिक कमिनासर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गिवन बिलो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम का सवाल है आगे भी पूछा जाता है बार बार वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द स्मॉल मालिकुला वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड द लिविंग टिश्यू आइडेंटिफाई द करेक्टिक्स इज द वन ब्लैंक कंपाउंड चलिए इसको पहुंचाते हैं देखिए ये आपका शुगर है ठीक है क्या ये शुगर है और इसके साथ कोई फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ है अब हमको आइडिया है जब हम पेज नंबर वन फोर्टी फाइव पर डायग्राम देखते हैं तो हमें आइडिया है कि इसमें सिर्फ एक की बात कर रहे हैं यानी शुगर है और फॉस्फेट तो जोड़ने नहीं जा रहा है इसमें है ना क्या जोड़ता है देखते हैं कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो एडनीन यूरोसिल गीटो ठीक है यानी कि इसमें नाइट्रोजनस बेस जोड़ेंगे ठीक है सर क्या जोड़ेंगे नाइट्रोजनस बेस जोड़ेंगे यानी इसमें अगर हम नाइट्रोजनस बेस जोड़ लें तो मेरे को मिल जाएगा न्यूक्लियोसाइड क्या मिल जाएगा न्यूक्लियोसाइड अब ऑप्शन में सिर्फ एक है न्यूक्लियोसाइड तो यही हम टिक कर लेंगे एग्जाम में बहुत आसान था ये बट लोग पता नहीं क्यों कन्फ्यूज हो गए मालूम नहीं बट इस न्यूक्लियोसाइड क्योंकि कोई फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ है और और कोई होने अमीनो एसिड हो नहीं सकता कोलेस्ट्रॉल हो नहीं सकता सिर्फ न्यूक्लोटाइड न्यूक्लोसाइड हो सकता है तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि यह नीन है या यूरोसल सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि शुगर में हमने नाइट्रोजनस बेस जोड़ने की बात करें वो डायग्राम से आपको दिख जाता है तो एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए तो उन्नीस का अठारह का आंसर हो जाएगा बी एक अच्छा सवाल बार बार बोल रहा हूँ इट्स एक्टिविटी फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बॉक्सीपेपटाटिस द रिक्वायर्स कॉपर जिंक आयरन या नियासिन तो यहाँ पे आंसर आपको डायरेक्ट बता देते हैं आंसर इज क्या हो जाएगा आंसर भाई साहब आंसर इज जिंक ठीक है क्या होगा आंसर इज जिंक और एक बात जिंक के बारे में ऑक्सीजन को आप नहीं भूलेंगे याद रखेंगे है ना ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में जिंक बहुत अहम रोल प्ले करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच वन द फॉलोइंग मालिक्यूल इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एलिनिन अमिनो एसिड कंटेंट्स एन अमिनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एनिवेर इन द मालिक्यूल जिनी लेस्थिन इस द फॉस्फोर ग्लसराइड फाउंड इन द मेम्ब्रेन पामेटिक एसिड इन अनसेचुरेटेड फैट इस टीन कार्बन एडनालिक एडनोसिन विद ग्लूकोज फॉस्फेट मॉडिक्यूल जी नहीं पामेटिक एसिड में सिक्सटीन कार्बन होते हैं याद रखिएगा तो ये गलत हो जाएगा हमारा है ना और आपका ये जो डी है ये भी रॉन्ग है ठीक सी भी रॉन्ग है ठीक तो ए भी रॉन्ग है सिर्फ एक आंसर आपका सही है वो भी कौन सा सही है सर एक आंसर हो जाएगा वो होगा बी आंसर लेस्थिन इज अ फाउंड इन द सेल में। टिक कर लीजिएगा इसको। आपको पता है है के बारे में? कंपाउंड ये भी ओके चलिए सर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द फैक्ट है आपको याद होना चाहिए सो एंजाइमेटिक एक्टिविटी थ्री कंडीशन पीएच एस टेम्परेचर सब स्टेट कंसिडेशन व्हाट डू द टू एक्सेस एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है देखिए इसको मैं फिर कह रहा हूँ सॉल्व करने के पहले आपको आइडिया होना चाहिए जो वाई एक्सेस है ये वाई एक्सेस क्या है या तो ये एंजाइम एक्टिविटी वाई एंजाइम एक्टिविटी हो जाएगा और ये जो एक्स एक्सिस है ये टेम्परेचर भी हो सकता है और पी भी हो सकता है ठीक तो है चलिए तो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर पीज़ देख लीजिएगा तो वाई एक्सेस पे अब एक्स एक्सिस पे एंजाइमेज का एक्टिविटी कह रहे हैं गलत हो गया सब स्टीज कंसिडर कर सिर्फ एक ऑप्शन सही है टेम्परेचर और दूसरे वाई पे क्या है एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसी भी कन्फ्यूजन के बजाय ऐसे याद रखिएगा अब आप इसमें कह सकते हैं कि सर पीएच भी तो हो सकता है तो टेम्परेचर के बजाय पे पीएच अगर लिखा हो तो वो भी सही हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ़ द टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलाउ आइए देखते हैं क्या बात कर रहे हैं दो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात मतलब उनका फंक्शन भी दिया हुआ है तो उनके बारे में पहचानना है ठीक है सर फर्स्ट इज द व्हाट बताइए फर्स्ट इज व्हाट ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर लेसिथिन ए कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एडनीन न्यूक्लियोटाइड दैट मेक्स अप योर न्यूक्लिक एसिड ट्राइग्लिसराइड ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी यूरेसिल ए कंपोनेंट ऑफ डीएनए ठीक है इट सेल्फ डी आंसर इज रॉन्ग सी आंसर इज रॉन्ग डी सब गलत है ऐसे एक आंसर सही है ये यूरेसिल है तो ये डीएनए का पार्ट तो है नहीं और ये एडनिन है नहीं बी एडन है नहीं तो सिर्फ आंसर इज ए एस्थिन जिससे मैंने कहा था नाइट्रोजन इस कंपाउंड है नाइट्रोजन आपको दिख रहा है तो लेस्थिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जिससे कि आप इसके सवाल सही कर पाए दो तो सवाल पूछा जा चुका है लेस्थिन के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द फिगर अभी इसको हमने समझा रखा है अच्छे से आपको है ना तो पूरा डायग्राम देख लीजिएगा सी क्या है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम डी क्या है विद एंजाइम ए क्या है ट्रांजिएंट स्टेज तो उससे भी एक ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है ट्रांजिएंट स्टेज है ना बाकी सब हो नहीं सकते तो सिर्फ एक ऑप्शन है बी जिसमें पोट बी क्या है एट सेल्फ वन सेकेंड बी क्या है पोटेंशियल एनर्जी जो इस तरफ दिया हुआ है बी है पोटेंशियल एनर्जी सी और डी को हमने बहुत अच्छे से बता रखा है सी को पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विदंजन देखिए यहाँ पे आउट छूट गया है तो आप इसे कर लीजिएगा विदाउट ठीक है ये समय विदाउट और यहाँ विध ही लिखा हुआ है ये आउट इधर शिफ्ट कर गया तो इसको इधर ले आइएगा मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज इधर हल्का सा साफ्ट करके आंसर बी होगा सी में मैं बोल दे रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और डी में विद एंजाइम ठीक ओ फॉर्मेटिंग में इधर उधर हुआ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर तो सिर्फ एक ऑप्शन से ही होगा नोटी थ्री में और ट्रांसजेंड स्टेज अगर आपको आइडिया ए वाला यही कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में है ना ये परमानेट नहीं है अनस्टेबल होता है चलिए ट्वेंटी फोर थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम आर करेक्ट विच वन इज रॉन्ग विच वन इज रॉन्ग कौन सा गलत है ये बताइएगा सर एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एंजाइम्स आर डी नेचरड एट हाई टेम्परेचर बट एट सर्टन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म दे आर इफेक्टिव इवन द टेम्परेचर अस्सी से नब्बे टेक् पॉलिमरेज देख लीजिए एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक बिल्कुल सही एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं बट समर लिपिट जी नहीं मोस्ट प्रोटीन बट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा बाकी सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयरस इज रॉन्गली मैस्ड एल्कोहल नाइट्रोजनेस फ्रूट जूस पेक्टनेस टेक्सटाइल एम डिटर्जेंट लाइफेज देखिए लाइपेज का इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट का इस्तेमाल में टेक्सटाइल में अमाइलेज का होता है फ्रूट जूस क्लीनिंग में पैक्टनेस का और एल्कोहल का इस्तेमाल एल्कोहल बनाने में नाइट्रोजेंस का इस्तेमाल नहीं होता सर ये गलत इस ऑप्शन है आपका रंगली रैंगमाइज्ड है एल्कोहल के लिए सेक्रोमाइसिस सिर से से रिसाई की जरूरत पड़ती है एल्कोहल की फार्मेशन करें तो एज़ रॉन्ग स्टेटमेंट ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स कार्बोहाइड्रेट और कॉमनली फाउंड एज अ स्टार्स इन द प्लान स्टोरेज आरगन फिच फॉर द फॉलोइंग फॉर फाइव प्रॉपर्टीज आर ए स्टार्स मेक इट यूजफुल एज स्टोरेज मेटेरियल यानी स्टोरेज के लिए कौन सी पाँच में से कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो ईजली ट्रांसलोकेट हो जाता है इसलिए स्टोर करते हैं केमिकली नॉन रिएक्टिव है इसलिए स्टोर करते हैं इजिली डाइजस्टेड हो बाई एनिमल इसलिए स्टोर करते हैं ऑस्मोटिकली इनेक्टिव इसलिए स्टोर करते हैं सेंसाइज डरिंग फोटोसेंसाइज इसलिए स्टोर करते हैं तो जैसा कि ऑप्शन से लग रहा होगा कि केमिकली नॉन रिएक्टिव है इसलिए स्टोर करते हैं ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, है इसलिए स्टोर करते हैं बाकी किसी पॉइंट का स्टोरेज से कोई रिलेशन नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका बी एंड डी यानी कि सी आंसर इज करेक्ट ये तो हो गया आपके बायो मालिक्यूल्स के ट्वेंटी एट ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट बेहद अच्छे सवाल हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं इनके आसपास के सवाल जो बनते हैं वो भी आप अच्छे से याद कर लें अच्छे से सीख लें चैप्टर्स को रिवाइज कर लें और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू